हेलो स्टूडेंट्स। सो यार, आज IAST का 14वां जो राउंड है रिलीज हो गया था। क्या कुछ चेंजेस आया रैंकिंग के अंदर? कितनी कट ऑफ गई है, कितनी कट ऑफ नहीं गई? ओके यार, इतने दिनों से अपन यही एक्सेप्टेड कर रहे थे कि यार 14वां 15वां 16वां राउंड के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं आया है। 14वां जो राउंड आया है उसके अंदर बच्चों की जो रैंकिंग है एटलीस्ट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से ज्यादा किसी का भी नहीं गया है। और 99% बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी एरोस्पेस जो रैंक है वो 9 पे ही पड़ी है। बहुत सारे बच्चों की मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उनका कोई 11वें राउंड से कोई चेंजेज नहीं आ रहा है रिवेलिडेशन के आफ्टर। सॉरी, रिवेलिडेशन के आफ्टर में एक बच्चा, दो तीन बच्चे हैं मेरे पास ऐसे जिनकी किसी की 9 पे अटके हुए हैं, किसी की 10 पे अटके हुए हैं, किसी की 13 पे अटके हुए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जो 100 नंबर वेटिंग पे चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 300 पे वेटिंग चल रहे हैं, कोई 400 पे वेटिंग चल रहा है। तो क्या भैया हमें इसमें IAST में कुछ मिल सकता है क्या? अपन एक्सेप्टेड कर सकते हैं कि जो अपन को स्पोर्ट राउंड के अंदर कुछ मिल जाएगा? भैया मेरे को जोसा के अंदर सीट मिली हुई है। जो स्टेट काउंसलिंग होती है TNAE की, जो TNEA, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिल रहा है। किसी को MIT भी मिल रहा है वहां पे। तो भैया क्या मुझे अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्या मुझे स्टेट काउंसलिंग की ओर बढ़ना चाहिए, या फिर क्या मुझे कुछ चांसेस है अगर मैंने वहां पे भी सीट गवा दी और मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा तो क्या सीन है? क्या कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? तो यार ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। तो अपन बात करते हैं कि यार जनरल कैटेगरी वालों की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यार ज्यादा से ज्यादा 850 से 900 रैंक मान सकते हो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं। तो यार जिन बच्चों के एटलीस्ट 800 850 है तो उनको तो एटलीस्ट 70वें राउंड तक मान सकते हो, शायद मिल जाए। उसके बाद स्पोर्ट काउंसलिंग में भी एक्सेप्टेड कर रहे हैं कि 1200 1300 रैंक तक मिल जाना चाहिए, 1600 1700 तक भी। अगर अपन बात करें एटलीस्ट ये जो कट ऑफ वगैरह दिया गया है, आप यहाँ पे स्टैटिक वगैरह चेक कर सकते हो। आप जस्ट यहाँ पे IAST की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए कि कब कब कितना कितना कट ऑफ गया है बच्चों का। तो इसके हिसाब से आप थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या पोजीशन रही है। तो यहाँ पे जो है 2022 की कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। और EWS के लिए, सॉरी ये ओपन ही है। तो यार स्पोर्ट राउंड का ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जिन बच्चों को सीट चाहिए और अभी कुछ वेटिंग में चल रहे हो 200 300 400 500, और जो बच्चे 50 60 10 20 30 100 तक भी वेटिंग चल रहे हैं तो उनकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हो जाएगा। तो वो स्पोर्ट काउंसलिंग में यार रजिस्टर जरूर करें। और यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है इस बार, बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही थी, भैया हमें तो पता ही नहीं था सेकेंडरी वैलिडेशन, तो बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर भी नहीं किया अपने आप को। तो वो बच्चे डायरेक्टली बाहर निकल गए और उनके जो ऊपर बच्चे थे उनकी जो रैंकिंग में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। ज्यादा तो नहीं है लेकिन मतलब कुछ बच्चे हैं ऐसे जो सेकेंडरी वैलिडेशन नहीं कर पाए। तो वो जो है स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पोर्ट काउंसलिंग में ऐसा कोई नहीं है। तो स्पोर्ट काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एटलीस्ट सीट बच्चे की वैसे हमेशा भी बचती है। बहुत सारे बच्चे विड्रॉल करते हैं, ऑलमोस्ट जो सारी सीटें बढ़ती है वहां पे। एटलीस्ट ये जो तेलंगाना के इधर के जो बच्चे हैं वो यही टारगेट करके रखते हैं कि अपने को इसरो वगैरह में जाना है। ठीक है, 99% इसरो के अंदर जो साइंटिस्ट है आप देख सकते हो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बेंगलोर इधर की साइड के ही होते हैं स्टूडेंट्स। DRDO के अंदर भी देख सकते हो। अब जस्ट पता नहीं यार इनके अंदर ब्लड ही ऐसा होता है जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, KSIvan है,
के सारे तमिलनाडु के अंदर ही पाए जाते हैं साइंटिस्ट लोग। और 99% एरोस्पेस एरोनॉटिकल के कॉलेज आंध्र प्रदेश एंड ये तमिलनाडु बेंगलोर इधर ही है। इधर अपन ये जो हिंदी पट्टी क्षेत्र है इधर अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर दो दो तीन गवर्नमेंट छोटे छोटे कॉलेजेज हैं, RTU वगैरह वगैरह। पंजाब के अंदर PEC चंडीगढ़ है और पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब। दिस इज न्यू इंस्टीट्यूट। इसके पास वैसे कुछ मतलब नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, ये ओपन 2017 में हुआ है तो इसके पास वैसे कुछ अवेलेबल है नहीं, लैब वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तक। तो हो सकता है आगामी समय के अंदर कुछ हो जाए, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चल रहा है, जीरो लेवल पे चल रहा है। और कुछ जैसे प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो वेलोर है, SRM है, MIT है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, LPU है। तो ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेज हैं, IIST है, चार IITs है यार हमारे देश में जो कि एरोस्पेस एरोनॉटिकल दे रही है। IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद भी दे रही है शायद, वो शायद MTech देती है। तो यार इतने ही IIST शिवपुर है, एक JNTU है और तेलंगाना साइड उधर कुछ सबसे अच्छा जो इंडिया का कॉलेज आई थिंक मैं मानता हूँ वो MIT है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। जहाँ से चाहे वो KC1 हो चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, भाई वहाँ पे जिसको एडमिशन मिल जाता है एरोनॉटिकल में उसकी तो आई थिंक बल्ले बल्ले है। तो यार ये कुछ कुछ कॉलेजेज है, और तो कोई इंडिया के अंदर नहीं है तो स्कोप भी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है, कंपनीज भी बहुत कम है, जॉब्स भी बहुत कम है, उतना ज्यादा प्रकोप है नहीं जितना कंप्यूटर साइंस का है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते, और जिसका इंटरेस्ट होता है उसका तगड़ा इंटरेस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत अच्छा ब्रांच मिली IIST में, आई होप ऐसी आशा करता हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।